इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बैन करने की मांग की, उधर अखिलेश यादव ने उठाया बड़ा कदम। भगवान राम का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलेगी अब बहुत बड़ी सजा। कभी खुद को यूपी का मुख्यमंत्री समझने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को आजकल कोई भी नहीं पूछ रहा है। राजनीतिक सूरज अस्त हो रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि खबरों में रहने के लिए भगवान राम और हिंदू धर्म को गाली देकर सस्ती पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को भड़काऊ ग्रंथ बताया था। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास और दलित विरोधी बता दिया है। इसके साथ ही रामचरितमानस को देश में बैन करने की मांग भी की गई है। पिछड़ी जातियों का खुद को ठेकेदार बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से सपा के अंदर खलबली मच गई है। अब अखिलेश यादव खुद ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, सबसे पहले उस बयान के बारे में आपको बताते हैं। इसके बाद बताएंगे आपको कि देश की भावनाओं को आहत करने वाले बयान क्यों दिया गया और अखिलेश यादव अब क्या करने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस ने धर्म के नाम पर जाति विशेष वर्ग विशेष को अपमानित करने का काम किया है। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई है जिसमें तुलसीदास शूद्रों को अधम जाति के होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मौर्य ने कहा कि ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे धर्म का सत्यनाश हो जो हमारा सत्यनाश चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास और दलित विरोधी बताया है और रामचरितमानस को देश में बैन करने की मांग भी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जैसे नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि तुलसीदास ने अधम जाति और शूद्र शब्द का नाम क्यों लिया। अखिलेश यादव खुद ऐसे नेता हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं और हिंदू होने पर गर्व करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सपा ने किनारा कर लिया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव कोई बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रहे हैं। मीडिया के सामने अखिलेश यादव का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से फोन पर बात की है। पिछले साल जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से निकलकर सपा में शामिल हुए थे, उस दौरान उनको लग रहा था कि जातिगत राजनीति की वजह से उनको फायदा मिलेगा, लेकिन मौर्य और पिछड़ा समाज को अपने इशारे पर चलाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को पिछले एक साल से पार्टी के अंदर ढो रहे हैं। ऐसे में सपा को स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई नुकसान हो, अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसे ऐसे समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आने के बाद से बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। सबसे पहले तो अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सबक सिखा दिया है और उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम और रामचरितमानस पर नहीं बल्कि ये बताने की कोशिश की है कि उनकी मानसिकता क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लग रहा था कि ऐसा बयान देकर उनसे दूर जा चुका पिछड़ा वर्ग फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन भगवान राम और रामचरितमानस का अपमान स्वामी प्रसाद मौर्य की अब राजनीति को भी खत्म कर सकता है। कहते हैं कि अभिनेता हो या नेता, स्टारडम भी एक अजीब बीमारी है। कभी खुद को यूपी का मुख्यमंत्री समझने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को आजकल कोई भी नहीं पूछ रहा है। कभी दिन में चार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के पास आजकल यूट्यूब चैनल वाले भी नहीं पहुँच रहे हैं। ऐसे में खबरों में आने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद जहां अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाल सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि कानूनी लड़ाई लड़कर वो मौर्य को सजा दिलवाएंगे। क्या आपको भी लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो सही है या फिर ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी क्या राय है कॉमेंट में अपना जवाब हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।